नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं इस वक्त दादरा नगर हवेली हूँ और यहाँ पर 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और हमारे साथ में महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए, इनसे बात करेंगे कि यहाँ आने का क्या कारण है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा नाम हरिश्चंद्र खुलत है, मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हम आदिवासी के लिए कार्यक्षेत्र हमारा पालघर पूरा है, दादरा नगर है, महाराष्ट्र में है। जो अपना समाज है पूरा आदिवासी, यहाँ जो आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से आप राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रोग्राम सम्मेलन हो जा रहे हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी को बहुत ताज़े से लोग यहाँ पे आ गए हैं और हम इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं और इसलिए हम हमेशा जब जब यहाँ का बड़ा प्रोग्राम होता है हम हमेशा यहाँ आते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी हो जाते हैं। यहाँ पर आप इतने बड़े से महाराष्ट्र के आज चलकर तो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जो संगठन है आदिवासी का और इस माध्यम से हम जुड़ना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं और यही एक बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद पूरा आदिवासी इकट्ठा होता है, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सब यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है और जो विचारधारा है आदिवासी एकता परिषद बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रीय स्तर के उनका बहुत अच्छा, ये अपने आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं और विकास होता है उस माध्यम से। जो आदिवासी का जनता को चाहिए, जो अच्छा तरफ से उनका एक ऊर्जा मिलते हैं, पूर्ति मिलती है आने के बाद, और मैं सबको बोल सकता हूँ कि आप भी सभी लोग आ जाइए, यहाँ पे शामिल हो जाइए। आदिवासी सब यहाँ पे संस्कृति, कल्चर और उनका विचारधारा, ये सब आप समझिए और वही संदेश आप आगे के अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए आप आगे लेकर आए। कौन से पद पे हैं आप? देखिए, मैं यहाँ पे दादरा नगर हवेली सिलवास में, जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हो चुका हूँ और यहाँ का एमपी का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। और दूसरी बात है कि यहाँ कम से कम 20 साल से मैं यहाँ, मेरा रिश्ता है और मैं मेरा रिश्ता और भी आगे जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, आगे के चुनाव में, आगे जो आने वाले सांसद का चुनाव है वहाँ बाला साहब ठाकरे के यहाँ, मेरा प्रयास है कि वहाँ सांसद का चुनाव का मैं लड़ने के लिए मेरा प्रयास है। पालघर जो महाराष्ट्र में लगता है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से मतलब अभी आपका चुनाव लड़ने का तैयारी चल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का अपना जितना समुदाय है, आदिवासी समुदाय या और भी बहुजन समाज, उनका भारी मात्रा से उनका मिलन मुलाकात सब चल रहे हैं, उनको विचारधारा दे रहे हैं। आगे का जो एसटी सीट है रिजर्वेशन, और हम चाहते हैं आगे कोशिश करते हैं, अगर हम आपके समाज के यहाँ पे अगर समाज ने सपोर्ट अच्छा किया तो हम हो सकते हैं आगे उनका मौका मिलेगा मुझे, मैं प्रयास करूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद।